मोहतरम नाजरीन, प्यारे दर्शक, अस्सलामु अलैकुम। देवबंदी ईगल नाम के इस चैनल पे एक बार फिर से आपका खैर मकदम है, स्वागत है। फ्रेंड्स, देवबंदी ईगल के महफिल शेर व अदब में हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये देवबंदी ईगल के महफिल शेर व अदब की दूसरी किस्त है, दूसरा एपिसोड है। आज हमें आपको एक खुशखबरी देते हुए नहायत खुशी महसूस हो रही है कि देवबंदी ईगल ने रिपोर्टिंग के लिए आप तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए आप तक के नाम से न्यूज़ एपिसोड तैयार कर लिया है और एक टीम भी गठन हो चुकी है जो हर दो दिन में आप तक इम्पोर्टेंट खबरें पहुंचाती रहेगी। खबर पेश करना आपके सामने हमारा काम होगा। बस आपसे प्यारे दर्शक और मोहतरम नाज़रीन दरख्वास्त है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और सही और हकीकी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सही खबर आप तक पहुंचती रहे और उर्दू के ऊपर जो हमारी मेहनत का सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे ही बढ़ता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, हम आपके सामने महफिल शेर व अदब की दूसरी किस्त पेश करते हैं जो कलीम आजिज़ का शेर है। यकीन जानिए आपको पसंद आएगा, जिसमें हकीकत की तर्जुमानी और आपके जज्बात की और आपके दिल की अक्कासी की गई है। तो हाजिर खिदमत है आपके सामने कलीम आजिज़ साहब का वो शेर जिसमें उन्होंने कहा है, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है किया। तो लीजिए, पेश खिदमत है। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तू इसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या, तुझे संग दिल ये पता है क्या, कि दुखे दिलों की सदा है क्या, कभी चोट तूने भी खाई है, कभी तेरा दिल भी दुखा है क्या, तू रईस शहरे सितम गरा, मैं गदाए कूचे आशिका, तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूँ तो बुरा है क्या, तू जफा में मस्त है रोज शब, मैं कफन बदोशो गजल बलब, तेरे रोब हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या, ये कहाँ से आई है सुर्ख रू, है हर एक झोंका लहू लहू, कटी जिसमें गर्दने आरजू, ये उसी चमन की हवा है क्या, अभी तेरा दौरे शबाब है, अभी क्या हिसाब व किताब है, अभी क्या न होगा जहां में, अभी इस जहां में हुआ है क्या, यही हम नवा यही हम सुखन, यही हम निशान यही हम वतन, मेरी शायरी ही बताएगी मेरा नाम क्या है पता है क्या, मेरी शायरी ही बताएगी मेरा नाम क्या है पता है क्या। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक दरख्वास्त है, इसी तरह की कुछ दिल के एहसासात, दिल के जज्बात, अपनी फीलिंग्स, नेक तमन्नाएं, अच्छी बातें आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश होती रहती है। हो सकता है कि हमारी हर बातें आपको पसंद ना आती हों, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बेझिझक बिला खटक आप कमेंट में अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। अगर आपने हमें हिम्मत दी होगी तो हम और अच्छा काम कर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने कोई गलती की होगी आप बिला झिझक कमेंट में निशानदेही करें, आइंदा कोशिश होगी कि वो गलती हम दोबारा ना करें। बस आपसे एक ही दरख्वास्त होगी हमेशा फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा स्टार्टअप है, आप यकीन जाने हमारे जज्बात इसको लेकर के, आपको लेकर के, आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ों को पेश करने को लेकर के बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक जज्बात हैं, मुखलिस हूँ बिल्कुल मैं। बस आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहिए, 10-5 मिनट निकाल करके इसकी वीडियोस को देख लिया कीजिए, हमें हौसला मिलेगा, आपका भाई हूँ, हिम्मत मिलेगी हमें ताकि जो पेश करते हैं उसको और अच्छे से पेश कर सकें आपके सामने में। अशार हूँ, अच्छे अकवाल हूँ, कोट्स हूँ, कुछ वक्त के जो है बर्निंग टॉपिक्स पे अपने दिल के जज्बात हूँ, या अपने जो है मुल्क के तईं, कौम के तईं, या हालात के तहत जो भी मुनासिब तजवीज़ात होती हैं, मुनासिब बातें होती हैं, वो आपके सामने पेश करता रहता हूँ, करता ही रहूँगा। खुदा करे आप खुश रहें,
आबाद रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। बस एक दरख्वास्त होगी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके फिर जाइएगा, ऐसा ना हो कहीं आप भूल जाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।